16 फरवरी को चंदौली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चंदौली के पड़ाव चौराहे पर स्थित गन्ना विकास केंद्र की भूमि पर बनाए गए पंडित जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की गई है। पंच धातु से बनी इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गन्ना विकास संस्थान की 10 एकड़ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर स्मृति स्थल का निर्माण किया गया है। यहाँ पे लगभग हो गया 5-6 महीने से काम चल रहा है मेरा। क्या काम हो रहा है? मेरा प्लम्बर काम है। तो अभी आपका काम कहाँ तक पहुँचा है? हमारा काम लगभग 90% खत्म हो गया है। 16 फरवरी को यहाँ उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो क्या उसके पहले आपका काम खत्म हो जाएगा? जी जी, हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हम दीनदयाल जी की बात करें तो उनकी प्रतिमा बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के आएंगे घूम फिर के जाएंगे, घूमने फिरने लायक बना है भाई, पार्क बढ़िया बन रहा है। 63 फीट की यह प्रतिमा देश की सबसे बड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को पंच धातु से बनाया गया है। इस स्मृति स्थल पर एसटीपी ग्रीनरी इंटरप्रेनर वॉल भी लगाए गए हैं। इस प्रतिमा और स्मृति स्थल को तैयार करने के लिए आगरा, राजस्थान और चुनार से आए कुल 30 कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। इस स्मृति स्थल का काम 2019 के जून से ही शुरू कर दिया गया था। जैसा कि इसका लोकार्पण 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाना निर्धारित हुआ है, तो उसी के लिए जो एक जो लास्ट मिनट जो भी चीज़ें होती हैं उसकी कंडीशन करने के लिए आए हम लोग। पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग परसों तक जितना भी काम है, जो फाउंटेन का काम है वो सर 12 तारीख तक पूरा होगा, बाकी हमारा काम 10 तारीख तक पूरा करना है। सर, मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना हो रही है? जी जी, मुख्यमंत्री जी के भी आने की संभावना है, वो भी स्वयं निरीक्षण करेंगे और उनका भी मार्गदर्शन से जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा है उनको आगे बढ़ाएंगे। कब आ रहे हैं सर मुख्यमंत्री? 10 तारीख को।